के बलबूते इंडियन आइडल ने जो इज्जत कमाई, जो नाम कमाया, सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो का ताज अपने सर पर सजाया, वो नाम, वो इज्जत सीजन 11 के एक स्टंट ने पूरी तरह से खराब कर दी है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम रियलिटी बस में, जहां पर आपसे बात होगी रियलिटी शो के फेक ट्रिक के बारे में। टीआरपी के लिए, महज टीआरपी के लिए उन लाखों लोगों के इमोशंस के साथ नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण ने खेल खेला है, जो आस लगाकर बैठे थे कि शायद ये दोनों शादी कर लेंगे। जिस तरह से उदित नारायण इंडियन आइडल के सेट पर आते हैं, नेहा कक्कड़ का परिवार पहुंचता है, नेहा को शगुन दिया जाता है, शगुन की चुनरी उड़ाई जाती है, नेहा के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, हिंदी सिनेमा जगत के हीमैन पहुंचते हैं, इनकी जोड़ी को आशीर्वाद देते हैं, बैचलर पार्टी की जाती है, नेहा कक्कड़ शादी के जोड़े में नजर आती है, आदित्य नारायण घोड़ी पर आते हैं। हर किसी को लगा था कि शायद नेहा और आदित्य अपने रियलिटी मंच पर ही अपनी शादी को सबके सामने करना चाहते हैं, लेकिन 14 फरवरी की तारीख बीत जाने के बाद जो पलटी इन दोनों ने मारी, उससे लोगों का दिल टूटा है, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रियलिटी शो से और नेहा आदित्य से लोग काफी ज्यादा जुड़ गए थे। अब एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कैसे शादी वाला नाटक नेहा आदित्य पर भारी पड़ रहा है। आपको बताएंगे कि जब नेहा कक्कड़ लिटिल चैंप्स की जज थी और आदित्य नारायण वहां के होस्ट थे, तब से लोग इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन इस बार जो ड्रामा हुआ है उसने फैंस की उम्मीदों को हर्ट कर दिया है। टेक अ लुक। नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण लगातार बने हुए हैं चर्चा में। आप सब ये बात जानते हैं कैसे फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 13 के दौरान इन दोनों को लेकर भी खूब सारा बस क्रिएट हुआ है। नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण, शादी का ड्रामा तो इन दोनों ने कर लिया, लेकिन जब यहाँ पर वक्त आया 14 फरवरी को असल में शादी करने का, ये दोनों पीछे हट गए। अब इन सबके बाद लोगों का गुस्सा जमकर फूटा है। जाहिर सी बात है, जो लोग इनकी शादी का इंतजार कर रहे थे उन्हें गुस्सा आएगा भी और गुस्सा होना लाजमी भी है। जो लोग कर रहे थे इन दोनों की शादी होते देखने का इंतजार, वो काफी ज्यादा खफा हुए हैं और खफा होना बनता भी है। नेहा और आदित्य ने प्यार प्यार और प्यार का ड्रामा तो कर लिया, फिलहाल यही ड्रामा इन्हें काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। अब इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे इनका ये ड्रामा ट्रोलर्स के निशाने पर है और लोग लगातार इन्हें कर रहे हैं खूब सारा बेइज्जत। शुरुआत करेंगे 14 फरवरी से पहले हुए तमाशों की। इंडियन आइडल के सेट पर उदित नारायण पहुंचते हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, नेहा कक्कड़ के पेरेंट्स पहुंचते हैं, नेहा आदित्य की शादी को हरी झंडी दिखाते हैं और इन्हें खूब सारा आशीर्वाद दे जाते हैं। अब जैसे जैसे ये अनाउंसमेंट हुई, सोनी टीवी की ओर से छोटे छोटे प्रोमो वीडियोस वायरल हुए, सोनी टीवी की ओर से लगातार ये प्रमोशन किया गया, शादी का कार्ड वायरल किया गया। हर किसी को लगा कि नेहा आदित्य एक दूसरे के साथ इंडियन आइडल सीजन 11 के मंच पर ही साथ फेरे लेंगे। अब इन सब के बीच में नेहा और आदित्य ने 14 फरवरी बीत जाने के बाद कर दिया एक बड़ा ऐलान। नेहा और आदित्य ने 14 फरवरी की तारीख बीत जाने के बाद अपनी ओर से अलग अलग स्टेटमेंट्स जारी करते हुए कहा, हम लोग सिर्फ टीआरपी के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, शादी जैसा हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ टीआरपी के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, शादी करने जैसा हम दोनों का कोई प्लान नहीं है। अब लोगों ने नेहा और आदित्य को ट्रोल करना शुरू किया और इन्हीं सबके बीच में बता दे आपको एक वीडियो वायरल हो जाती है नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ की। दरअसल गोवा में बैचलर पार्टी करने नेहा और आदित्य पहुंचे हैं।
गोवा में शादी से पहले बैचलरहुड को एंजॉय करने नेहा और आदित्य पहुंचे हैं। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर हुई वायरल, लोगों को लगा कि शायद सच में शादी कर रहे हैं। लेकिन अब टोनी कक्कर का गाना गोवा वाले बीच पर, जिसे 11 फरवरी को रिलीज किया गया, उसके सुपरहिट हो जाने के बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा फूट गया है। जी हाँ, गोवा वाले बीच पर सॉन्ग को करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। 2,43,00,000 लोग इस गाने को YouTube पर देख चुके हैं। ट्रेंड में रहा ये गाना और इसके बाद लगातार नेहा और आदित्य लोगों के निशाने पर आए। बता दें आपको, उदित नारायण जो आदित्य के पिता हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा इकलौता बेटा है आदित्य, हम उसकी शादी को धूमधाम से करते हुए देखना चाहते हैं। वो इंडियन आइडल सीजन 11 के सेट पर शादी नहीं करेगा। जनता पूछ रही है कि जब आपके बेटे को शादी नहीं करनी थी तो इतना बड़ा ड्रामा आपके बेटे ने क्यों किया। जनता कह रही है कि जब आपके बेटे को नहीं करनी थी शादी तो आपके बेटे ने ये ड्रामा भला क्यों किया। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस ड्रामे का असर क्या हुआ। इस ड्रामे का असर नेगेटिविटी पर हुआ है। नेगेटिविटी जो फैली है नेहा कक्कड़ को लेकर, नेगेटिविटी जो फैली है आदित्य नारायण को लेकर, नेगेटिविटी जो फैली है इंडियन आइडल सीजन 11 को लेकर। बता दे आपको, सिंगिंग रियलिटी शो तो बहुत हुए हैं टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में, लेकिन इंडियन आइडल एक ऐसा मंच हमेशा से रहा है जिसने रियल टैलेंट को उभारा है, जिसने असली टैलेंट को निकाल कर लोगों के सामने रखा। लेकिन यहाँ पर इस बार सालों की कमाई गई इज्जत धूमिल हो गई। 10 सालों से जो इज्जत कमाई जा रही थी इस रियलिटी शो के द्वारा, वो इज्जत पूरी तरह से खराब हो गई। एक छोटे से मजाक ने, जो सिर्फ टीआरपी के लिहाज से किया गया, उसने इंडियन आइडल की छवि को धूमिल कर दिया। अब जनता का क्या कहना है। जनता जहां एक तरफ नेहा आदित्य को ट्रॉल कर रही है, वहीं जनता इन दोनों को साथ में देखने की इच्छा भी जता रही है। दरअसल इंडियन आइडल के सेट पर नेहा और आदित्य एक दूजे के साथ फ्लर्ट करते हुए देखे गए हैं। आदित्य अक्सर नेहा को छेड़ते रहे हैं, नेहा को प्यार भरी बातें करते हैं। अब इन सबके बाद लोगों को इन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद भी आई है। लोग इन दोनों की जोड़ी को एक्चुअली में एक साथ देखने की इच्छा सजा कर बैठे थे, लेकिन बिल्कुल उल्टा यहां पर हुआ है, जिससे नेहा आदित्य के फैंस को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंची है। वहीं अगर नेहा और आदित्य इन दोनों की पहली मुलाकात के बारे में जिक्र करें तो बता दे आपको, लिटिल चैंप्स सिंगिंग रियलिटी शो जी टीवी का, यहाँ नेहा बतौर जज शामिल हुई थी और होस्ट थे आदित्य नारायण। वो वहां भी नेहा के साथ फ्लर्ट करते थे, लेकिन थोड़ा कम। अब इंडियन आइडल के सेट पर टीआरपी के लिए फ्लर्टिंग खुलेआम होने लगी है, लेकिन लिटिल चैंप्स के सेट पर ये फ्लर्टिंग इतनी ज्यादा ओपनली नहीं थी। बताया जाता है कि हिमांश कोहली से ब्रेकअप के बाद नेहा कक्कड़ काफी ज्यादा अकेली हो गई थी। हिमांश कोहली से ब्रेकअप के बाद नेहा कक्कड़ काफी ज्यादा तनहा थी, तब आदित्य ने नेहा को सहारा दिया। बताया जाता है कि जब नेहा अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल टूट चुकी थी, हर कोई जानता है डिप्रेशन में वो चली गई थी, उस वक्त आदित्य नारायण ने नेहा को सहारा दिया। आदित्य नारायण ने नेहा को हिम्मत दी, नेहा के साथ समय बिताया और उस परेशानी से नेहा को बाहर निकाला। अभी जनता कह रही है इस रिश्ते को नाटक, जो वाकई इन दोनों ने इंटरव्यूज के जरिए दिए गए स्टेटमेंट के जरिए साबित भी किया है। खैर, छवि पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। इतने सालों की मेहनत के बाद जो नाम इन दोनों ने कमाया था, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उस नाम को वापस पाने के लिए ये दोनों आखिर क्या करते हैं। खैर, इंडियन आइडल जब इस रियलिटी शो में शादी वाला ड्रामा हुआ, टीआरपी का ग्राफ ऊपर चला गया, लेकिन फिलहाल यही ग्राफ नीचे आ गया है, जिससे ये बात साबित होती है कि किसी रियलिटी शो को रियल ही रहने दीजिए, महज टीआरपी के लिए उसमें फेक ट्विस्ट एंड टर्न्स डालकर अच्छी टीआरपी का लालच
सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आपको ला कर रख सकता है, जैसे फिलहाल ये दोनों आ रखे हैं। रियलिटी बस में आज के लिए इतना ही, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हर बार की तरह ले रहे हैं आपसे इसी वादे के साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।